प्रदेश के वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी दो सूत्रीय मांगों लेकर 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वन विभाग में काम करने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी इन्हें नियमित नहीं किया गया है। अब वे सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। घोषणा पत्र का निर्माण करने वाले मंत्री टीएस सिंहदेव से मिलने पर उन्होंने सिर्फ संवेदना दिखाई और कहा कि इसका निर्णय तो मुख्यमंत्री ही ले सकेंगे। लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहने के दौरान आज धरना स्थल पर एक कर्मचारी अचानक बेहोश हो गया, जिसे आनन फानन में ग्लूकोज और पानी देकर आराम कराया गया। इन कर्मचारियों का कहना है कि जो कर्मचारी 2 साल की सेवा पूर्ण कर लिए हैं उन्हें स्थायी किया जाए, वही जो दैनिक वेतन भोगी 10 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके हैं उन्हें नियमित किया जाए। पूरे प्रदेश में वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 6,500 है। इन कर्मचारियों को वेतन के रूप में प्रतिमाह महज 9,000 रुपये ही मिलता है, जो वन विभाग में वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोईया और बैरियर का काम करने के साथ ही जंगल का काम देखते हैं। अब इन कर्मचारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। अभी तक शासन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह से इन्हें संपर्क नहीं किया गया है। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 13वां दिन है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है नियमितीकरण स्थायीकरण की मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, और सरकार ने जन घोषणा पत्र में तो वादा किया ही है था कि हमारी सरकार जब आएगी तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का हम नियमितीकरण करेंगे करके, उसी वादा को याद दिलाते हुए हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल में बैठे हुए हैं। इस नियमितीकरण के संबंध में हमने माननीय TS बाबा से मुलाकात किया कि भाई आपने जन घोषणा पत्र तैयार किया है, आपके चुनाव के पहले मैनिफेस्टो में लाने के लिए आपकी जो पार्टी ने हम सब दैनिक वेतन भोगियों से चर्चा और मेल मुलाकात किए, उसके पश्चात ही जन घोषणा पत्र तैयार किया, और जन घोषणा पत्र तैयार किया तो आज तक हमको नियमितीकरण नहीं किया गया है, 3.5 साल हो गए करके। तो उसमें TS बाबा ने कहा कि भाई आप लोगों का जो मांग है जायज़ है, सारे अधिकारी कर्मचारी को संतुष्ट किया जा रहा है, तो बिल्कुल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर जो है नियमितीकरण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री ही महोदय ही निर्णय लेंगे, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग उनके पास है और वित्त विभाग उनके पास है। तो मैं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं और जल्द आप लोगों का मांग पूरा हो, ये आश्वासन TS बाबा ने दिया है। अब देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री महोदय नियमितीकरण के संबंध में कितना जल्दी निर्णय लेते हैं। बाकी हमारे तो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भाई लोग जो है भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। अभी आपके माध्यम से आपको देखने को मिला होगा कि हमारे जो एक दैनिक वेतनभोगी भाई हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो नियमितीकरण की आस को लेकर आज यहाँ आए हुए हैं, बेहोश होकर गिर पड़े थे, उसको बहुत मुश्किल से उठा के सुलाया गया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय को ये निवेदन करते हैं कि भाई वास्तविकन में आपने जो जन घोषणा पत्र में वादा किया है उस नियमितीकरण के वादा को जल्द से जल्द पूरा कर दे, ताकि सारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संतुष्ट हो जाए। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।